गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एम जी यूट्यूब चैनल। एम बी ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट आई टी स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो उससे रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट को कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग द डिस्कशन इज इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। वे ऑब्वियसली बात है मार्केटिंग एक्टिविटीज में रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ इट। भाई अगर आप मार्केट में प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो वेंचर है वो सक्सेसफुली चले, तो रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि भाई अगर आपको बेसिकली मार्केट का आइडिया नहीं है तो वो आइडिया कैसे होगा, एक रिसर्च और सर्विस के थ्रू ही होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि कोई मतलब आपका डोमेस्टिक रिसर्च और इंटरनेशनल रिसर्च में कहीं ना कहीं अंतर है, बट रिसर्च इटसेल्फ इज रिसर्च। चाहे आप एक छोटे वर्क प्लेस को में वर्क करने जा रहे हो या ग्लोबली वर्क करने जा रहे हो, बट रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट रिगार्डिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, तो उसी से रिलेटेड आज का हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बच्चे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, और वीडियो कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अलावा अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। ऑडिबिलिटी इश्यू ना हो तो आप वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुने, तो आई होप आप इजीली चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। वन ऑफ द मोस्ट ट्राइंग डेवलपमेंट ऑफ रिसेंट डिकेड हैज बीन ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। अगर हम देखें सबसे स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट जो अब तक डिकेड में देखा गया है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस है। पहले जो बिजनेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज किए जाते थे, अब डेवलपमेंट्स में देखा जा रहा है कि बिजनेस जो है वो ग्लोबलाइज हो गए हैं, आउटसाइड द कंट्री नेशन ग्लोबली उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गया है। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रिक्वायर्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेन मार्केट एंड कंपनीज विच एक्सपैंड इन टू न्यू एंड अनोन मार्केट मस्ट पोजेस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिमांड एंड कंडीशन ऑफ दीज मार्केट। अब ये जो ग्रोथ है वर्ल्ड ट्रेड की, जितना ज्यादा बिजनेस ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। इसके अलावा फॉरन मार्केट्स में क्या चल रहा है, और जो भी कंपनी एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है कि एक्सपैंड इन टू न्यू एंड अनोन मार्केट, तो दे मस्ट पोजेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिमांड एंड कंडीशंस ऑफ दीज मार्केट, क्योंकि उनके लिए वो अननोन है। जो भी नई कंपनीज है जो एक्सपैंड करना चाह रही है, वर्ल्ड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना चाह रही है, फॉरन मार्केट्स में एंटर करना चाहती है, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, भाई मार्केट की क्या कंडीशन है, वहां किस चीज की डिमांड है, उसकी इन्फॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। कंपनीज इन्वेस्ट नॉट ओनली इन सच डेवलप्ड मार्केट सच एज यूरोप यूएस जापान बट ऑल्सो इन द अनस्टेबल बट ग्रोइंग मार्केट लाइक लैटिन अमेरिका, पॉलिटिकली अनसर्टेन मार्केट ऑफ मिडिल ईस्ट रशिया एंड रैपिडली चेंजिंग मार्केट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड एमर्जिंग अफ्रीकन मार्केट्स। इसमें ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज है वो केवल डेवलप मार्केट में एंटर होंगी, इट डिपेंड्स कि मैं डेवलपिंग, भाई तीन कैटेगरी बताई है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अनस्टेबल। तो वो कोई भी मार्केट में अगर आप एंटर करेंगे, जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम डेवलप मार्केट की बात करें तो जैसे यूरोप है, यूएस है, जापान है, अगर हम बेसिकली डेवलपिंग की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका, इसके अलावा अगर रैपिडली चेंजिंग की बात करते हैं तो भाई जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीकन मार्केट है जो रैपिडली चेंज होते रहते हैं, तो वो किसी भी तरह का मार्केट हो, किसी भी स्टेज पे हो, बट उससे रिलेटेड उसकी कंडीशंस की क्या इन्फॉर्मेशन है उनको गैदर करना, कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द लाइफस्टाइल, कंजम्पशन बिहेवियर, परचेजिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट नेशन। ये तो बिल्कुल ही पॉइंट फैक्ट है कि जैसे जैसे नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही है, हर एक मार्केट में या अलग अलग नेशन में भी अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल, कंजम्पशन बिहेवियर, पैटर्न ऑफ परचेजिंग, ये सब बेसिकली चेंज हो गया है जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जा रहा है। जो चीजें पहले चलती थी ट्रेडिशनल तरीके से, अब मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से वो चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हो गया है लोगों का। ऑल दिस इंडिकेट दैट द मार्केटिंग रिसर्च इन द ग्लोबल एनवायरमेंट हैज बिकम एसेंशियल।
तो इन सब से ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत असेंशियल है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजीज अपडेट हो रही है, लाइफस्टाइल, कंजम्पशन बिहेवियर, परचेजिंग पैटर्न भी उतनी जल्दी से चेंज हो रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग को रिसर्च करना, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च जिसे कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। The purpose of this paper is to give definition of the international market research and describe the factors which influence the market research in different countries. इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज समझने का हमारा पर्पस है कि हमें पता चल जाए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई हमें पता है कि जब भी हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो पर्पस है वो यही है कि हमें समझना है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा, सर्वे मेथड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, फाइनली द प्रॉब्लम बीच में अक्वायर इन द मार्केटिंग रिसर्च आर समर। तो कोशिश करेंगे कि हम ये देखें, क्योंकि भाई रिसर्च किस बेस पे होता है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड भी हो सकती है जिसे प्राइमरी डेटा कहते हैं, और सेकेंड हैंड भी हो सकती है जिसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो यहाँ हमें समझना होगा साथ में कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और फाइनली द प्रॉब्लम विच में अकर इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। भाई फैक्टर्स के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो सामने आती है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक डिजाइन कलेक्शन रिकॉर्डिंग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू अ पर्टिकुलर मार्केटिंग डिसीजन फेसिंग अ कंपनी ऑपरेटिंग इंटरनली। भाई अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च या फिर मार्केटिंग रिसर्च से ही इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च ना बना है कि ये एक ऐसा सिस्टमैटिक डिजाइन किसी भी तरह का कलेक्शन रिकॉर्डिंग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं टू अ पर्टिकुलर मार्केटिंग डिसीजन फेसिंग अ कंपनी ऑपरेटिंग इंटरनली। जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो इंटरनली जिस तरह के मार्केटिंग डिसीजन को फेस कर रही है, उस इन्फॉर्मेशन को जब गैदर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इज अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फोकस ऑन सर्टेन ज्योग्राफिकल एरियाज। साथ में ये बताया है कि इंटरनेशनल क्योंकि वर्ड इसमें जुड़ गया है तो वो एक तरह का ऐसा मार्केटिंग रिसर्च डिसिप्लिन है जो किसमें फोकस कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया पर। मैंने यहां पर आपको मार्केटिंग रिसर्च नहीं पढ़ाना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च हम पढ़ रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया इंटरनेशनल वर्ड यूज हो गया ना, तो इट मींस इट इज रिलेटेड टू अ ज्योग्राफिकल एरिया। और इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च इज कंसर्न विद कंज्यूमर, किस किस की कंसर्न है, भाई कंज्यूमर उसकी क्या कंजम्पशन बिहेवियर है, कैसा परचेजिंग पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, गुड्स से रिलेटेड है, भाई कौन सी गुड्स की डिमांड है, बट ऑल्सो विद एनी रिसोर्स सर्विस विद इन अ वैल्यू चेन विच वी कमर्शियली यूटिलाइज और फर्दर प्रोसेस। खाली कंज्यूमर और गुड से संबंधित नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी सर्विस या रिसोर्स जो बेसिकली वैल्यू चेन से जुड़ा है, जो कमर्शियली यूटिलाइज की जा रही है मार्केट के अंदर, विच इज द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम केवल मार्केट रिसर्च कंज्यूमर के बिहेवियर जानने के लिए या उसकी डिमांड जानने के लिए करेंगे। बी टू बी प्रोसेसिंग भी होती है, बिजनेस टू बिजनेस भी डीलिंग होती है। तो मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, कौन सी वैल्यू चेन में जो रिसोर्स है, जो सर्विस है, वो किस तरह की है, तो उनको भी बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च में या फिर मार्केट रिसर्च में समझा जाता है। जैसे कि इक्विवेलेंसेस इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, एनालिसिस, और उससे क्या बनता है, मेजरमेंट कैसे हो सकता है, कैलकुलेशन, ट्रांसलेशन या मैट्रिक से। तो ये कुछ तरीके इक्विवेलेंस है जिसके थ्रू हम बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च कहते हैं। तो
So marketing research practices and technology have been global. For example, world largest research firm Nielsen is headquartered in US but derive almost 2/3 of its revenue from outside the US. भाई अगर हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिसर्च फर्म को देखें तो निल्सन है जिसका हेडक्वार्टर यूएस में स्टैब्लिश है और वो जो है बेसिकली 1/3 रेवेन्यू यूएस के बाहर से ही कमा लेती है, इतनी ज्यादा मतलब उसका डिमांडिंग है. इट्स स्टैंडर्डाइजेशन इज मच ऑफ डेटा, इट्स रूटीनली कलेक्ट इन 27 कंट्रीज. 27 अलग अलग कंट्रीज से डेटा को कलेक्ट करना, उस पर रिसर्च करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, ये सब चीजें की जाती है. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर्स मेक द सेम बेसिक टाइप ऑफ डिसीजन सो एज टू गो टू ऑपरेट ओनली वन कंट्री. जो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो भी सेम बेसिक टाइप ऑफ डिसीजन लेते हैं जो वो ऑपरेट कर रहे हैं अपनी ओन कंट्री में. ऑफकोर्स दे मेक डिसीजन मोर कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट और उसके साथ साथ एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट में उनको डिसीजन लेना बनता है. एज डिसीजन मेकिंग The basic function of marketing research and research process does not differ in domestic and multinational research. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई मार्केटिंग रिसर्च तो मार्केट प्लेस के लिए है, उसमें ये नहीं मैंशन होता है कि डोमेस्टिक रिसर्च क्या है और इंटरनेशनल. केवल वो जोग्राफिकल एरिया का फर्क है बट मार्केटिंग रिसर्च में तो हर तरह के डिसीजन सिमिलर ही होंगे. Whenever we talk about research, it is about collecting, analyzing, interpreting the information. तो वही बात यहाँ बताई गई है. हाउएवर द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट एक्सपर्टली एज मोर एज द कंट्रीज आर इन्वॉल्व. बट इतना फर्क हो जाता है कि जब हम डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर निकलते हैं तो ये जो रिसर्च का प्रोसेस है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अलग कंट्री, स्टाइल ऑफ लिविंग, परचेजिंग पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा. ओन कंट्री में कुछ चीजें सिमिलर होती हैं तो आप इजिली चीजों को गैदर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. बट जब कंट्रीज ग्लोबल लेवल पे बात करें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. अब हम बात करते हैं द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग रिसर्च इन डिफरेंट कंट्रीज आर. जैसे सबसे पहले है कल्चरल फैक्टर, ये तो इम्पोर्टेंट है. कल्चर रिफर्स टू द नॉर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. किस तरह की वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स, अदर मीनिंगफुल सिंबल रिप्रेजेंट इन देयर पैटर्न ऑफ लाइफ अडॉप्टेड बाय देम हेल्प टू इंटरप्रेट. भाई जो भी मार्केटर्स होते हैं उनको कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसर्च करने के लिए. द नॉर्म्स, द वैल्यू, द बिलीफ द पर्टिकुलर पीपल फॉलो. अ कंपनी विच वर्क ऑन इंटरनेशनल मार्केट इज इन नीड टू क्रॉस कल्चर अवेयरनेस. भाई कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रही है तो उसको क्रॉस कल्चर इवेल्युएशन या क्रॉस कल्चर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है. मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं जैसे लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हर एक अलग अलग कंट्री में अलग अलग नॉर्म्स, वैल्यू, लैंग्वेजेस प्रैक्टिस की जाती है, मे कॉज क्रॉस कल्चर ब्लंडर्स. दीज एग्जांपल्स ऑफ ब्लंडर इन द मार्केटिंग मिक्स. हम लोग इसको मार्केटिंग मिक्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी मार्केटर को या किसी भी कंपनी को जो ग्लोबली काम कर रही है क्रॉस कल्चर आइडियाज नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किन वजह से. जैसे कि प्रोडक्ट है, व्हेन अ सॉफ्ट ड्रिंक इज लॉन्च इन अरब कंट्रीज इट्स लेबल इज 6.8 स्टार. The same was grow as the star was associated with its right. देखो इसमें एक एग्जाम्पल बताया है कि भाई एक अरब ने एक कोल्ड ड्रिंक को लॉन्च किया और उसमें 6 स्टार का सिंबल दे दिया. बट उसकी सेल क्यों गिर गई? क्योंकि वो इसराइल से कनेक्टेड है 6 स्टार और इसराइल और अरब के जो रिलेशन हैं वो अच्छे नहीं है, इसकी वजह से उसकी सेल गिर गई. प्राइस. An American firm is willing to set a reasonable price on the product they intend to sell to Japanese. A detailed presentation was made to the Japanese businessman, but it followed by a deep sigh. The American thought the Japanese were going to reject the price and offered a lower price. The Japanese kept silence again. After that, American lowered the price again, saying that it was the lowest they could sell. After brief silence, the offer was accepted. Later, the Japanese confessed that the first offer price was quite acceptable, but they had a tradition to think over the offer silently. An American company suffered a great loss in this. केस. बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें बताया क्योंकि कल्चरल अवेयरनेस, हम किस तरह के नॉर्म्स वैल्यूज को फोकस करते हैं. जैसे कि अमेरिकन कंपनी ने जापानीज कंपनीज के साथ एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक उनका वेंचर सेटअप हुआ जिसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी. अमेरिकन कंपनी के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई जापानीज कंपनी को.
उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कोट किया। प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद जापानीज कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहां एकदम शांति हो गई, दे मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस। तो जो अमेरिकन है उन्होंने सोचा कि मुझे उन्हें ऐसा लगा कि भाई शायद प्राइस की वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वापस से अपने प्राइस और लो डाउन कर दिए। जो प्राइस उन्होंने पहले कोट किए थे उन्हें लगा जब कोई जवाब नहीं मिला तो शायद प्राइस की वजह से इशू होगा, तो उन्होंने प्राइस और कम कर दिए, दोबारा से चीजों को क्लियर करी। उसके बाद भी जापानीज कंट्रीज की तरफ से जो उनकी कंपनीज थी वहां से फिर से कोई ऑप्शन मतलब जवाब नहीं मिला, वहां पे फिर से शांति हो गई, दी रिमेन साइलेंट। तो अभी अमेरिकन जो है उनको लगा कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आप इससे कम तो हम नहीं जा सकते हैं, मिनिमम प्राइस हमने कोट कर दिया है। उसके बाद जाके जापानीज ने अपना मेंशन किया कि भाई साइलेंस का मतलब यही है कि इट इज द बेस्ट ऑफर वी कैन गो विद, बट कल्चरल अवेयरनेस नहीं कि उन्हें लगा चुप रहने का मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट जापानीज की वजह से चुप रहने का मतलब है कि दे आर थिंकिंग फॉर द प्रोसेस। अगर वो अभी कोई जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें उन्हें सही लग रही है। तो इसकी वजह से अमेरिकन कंपनी को लॉस सफर करना पड़ा, बहुत कम प्राइस पर उनका ये वेंचर गया। तो ये कल्चरल ब्लंडर्स होते हैं क्योंकि क्रॉस कल्चर अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आई होप आप समझ रहे हैं। जैसे प्लेस अ कंपनी वांटेड टू एंटर स्पेनिश मार्केट इनटू 2 लीटर बॉटल ब्रेक एंड फेल, सो दे फाउंड दिस वेंडर प्रेफर स्मॉल डोर फ्रिजेस, दे कुड नॉट पुट लार्ज बॉटल इन देम। प्लेस की आप देखिए स्पेनिश मार्केट में कंपनी एंटर करना चाहती थी तो उन्होंने 2 लीटर की जो बॉटल है उनको लॉन्च कर दिया, बट वो फेल क्यों हो गई, बिकॉज वहां पे देखा कि स्पेन में स्मॉल डोर के फ्रिज होते हैं जहां 2 लीटर की बोतल ही फिट नहीं हो सकती, तो वो भी आपको नहीं पता था। प्रमोशन पेप्सिको केम टू ताइवान एट द एड कम अलाइड विद पेप्सी, दे कुड नॉट इमेजिन दैट इट्स अनरिलेटेड पेप्सी विल ब्रिंग योर रिलेटिव बैक फ्रॉम द डेड इनटू चाइनीज। अब प्रमोशन में क्या हुआ कि पेप्सिको को उन्होंने ताइवान से जो एड आया तो उन्होंने उस एड को प्रमोट किया कम अलाइड विद पेप्सी, तो उसमें ये समझा गया, चाइना में ये समझा गया, चाइनीज को मानते हैं कि पेप्सी जो उनके रिलेटिव उनके साथ नहीं है, द पीपल हु आर डेड विल कम बैक इफ वी विल यूज पेप्सी को, तो ये एक प्रमोशनल ब्लंडर हो गया। तो इसलिए अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कल्चरल नॉर्म की, तो ये सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर होता है क्या, रेशनल डिफरेंसेस, दिस रिफर्स टू डिफरेंस इन फिजिकल फीचर्स ऑफ पीपल, जैसे टाइप ऑफ हेयर कट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो वो बहुत अलग होता है रेशनली। इसके अलावा क्लाइमेटिक डिफरेंसेस, देर आर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, डिग्री ऑफ रेन है, जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन टू द मार्केट दिस है इन स्कैंडिनेविया वेयर देयर फ्यू सनी डेज, दे विल सेल वॉशिंग मशीन विद अ मिनिमम स्पिन ऑफ 1000 आरपीएम एंड मैक्सिमम ऑफ 1600 आरपीएम, वेयर इटली एंड स्पेन स्पिन 500 आरपीएम इज एनफ। भाई कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ टेम्परेचर का इशू है, वॉशिंग मशीन तो यूज तभी हो पाएंगे जहां पर भाई बहुत ज्यादा सनशाइन नहीं आती है, तो ये इशू रहता है क्लाइमेटिक का। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस कंट्री टू कंट्री प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करते हैं, जैसे बाइंग पावर एंड रेवेन्यू ऑफ द मार्केट, डेवलप कंट्री में हाई इनकम होती है ऑफ द पीपल और प्रेफर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट जिसमें एडवांस फंक्शन होते हैं वो उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट अगर देखा जाए, सब एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे सुजुकी एंटर्ड इंडियन मार्केट्स, द सस्पेंशन वाज रीइंफोर्स्ड एंड द स्टेट ऑफ रोड ऑफ इंडिया इज वेरी पुअर। जैसे सुजुकी प्रोडक्ट आया इंडिया में तो उन्होंने जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर किया तो हमारे तो यहाँ रोड्स की हालत इतनी खराब थी कि वो नहीं चल पाया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है। रिलीजियस डिफरेंस, जैसे कि हमने बताया जो रिलीजियस नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं जो इस्लामिक कंट्री में स्पेशली सर्टिफाइड होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू हलाल मेथड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरिकल डिफरेंस तो है ही, लैंग्वेज डिफरेंसेस, भाई लैंग्वेज अडॉप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बता रहे हैं जो आप लेबल कर रहे हैं वो कैसे लोगों को समझ आएगा। तो बेसिकली बच्चे ये सब हमने जो फैक्टर्स हैं इसलिए समझे जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। मार्केटिंग रिसर्च मतलब व्हेनेवर वी गैदर डेटा, एनालाइज इट फॉर टेकिंग द मार्केटिंग डिसीजन। इंटरनेशनल का मतलब होता है मैं वो ग्लोबली। तो आई होप कंटेंट को आप इजीली समझ पाए हैं, इससे रिलेटेड नोट्स आपके वीडियो में अटैच रहेंगे तो आप उनको वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू फॉर